नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और अब फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। किसी स्फीयर की वजह से उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, अगर वो फॉर्मूला आपको याद होगा तो आसानी से सवाल को कर सकते हैं। क्वेश्चन में बताया गया, कंसीडर टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स S1 एंड S2 ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर, हालांकि डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, अलग से मैंने बनाया है। दो स्फीयर है S1 और S2, इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2 दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 ऑन S1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ऑन S2 ऑन देयर सरफेसेज आर सच दैट E1 बाई E2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मान लेते हैं चार्ज इस पर Q1 है, तो ये आएगा K Q1 बाई R1 स्क्वायर, इसके सरफेस पर है ना। अगर यहाँ पर चार्ज Q2 है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आएगा वो आएगा K Q2 बाई R2 स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में रेशियो दिया गया है E1 बाई E2 जो है ये R1 बाई R2 के इक्वल है। तो अगर यहाँ से E1 E2 का वैल्यू इसमें रखेंगे तो यह आएगा K Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई K Q2 बाई R2 स्क्वायर। मैंने E1 E2 का वैल्यू रख दिया इज इक्वल टू R1 बाई R2 है ना। तो K और K कैंसिल हो जाएगा, Q1 और Q2 का जो वैल्यू आएगा वो देखेंगे आएगा R1 क्यूब डिवाइडेड बाई R2 क्यूब। तो चार्जेज का रेशियो आ गया। अब आगे बताया गया द रेशियो ऑफ V1 बाई V2। V1 जो है S1 का पोटेंशियल है, V2 S2 का पोटेंशियल है ना। कहा गया द रेशियो V1 बाई V2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स ऑन ईच स्फीयर। तो अगर इस पर पोटेंशियल मान लिया जाए V1 है तो इसको लिखा जा सकता है KQ1 बाई R1। इस पर पोटेंशियल V2 है तो इसको लिखा जा सकता है KQ2 बाई R2। हमें V1 और V2 का रेशियो निकालना है, V1 बाई V2, तो ये आएगा KQ1 बाई R1 डिवाइडेड बाई KQ2 बाई R2 है ना। तो ये आएगा Q1 बाई Q2 इंटू R1 बाई R2, R2 बाई R1 हो जाएगा ये है ना, R2 डिवाइडेड बाई R1। Q1 बाई Q2 का जो रेशियो है वो यहाँ से रखा जा सकता है R1 क्यूब बाई R2 क्यूब इंटू R2 बाई R1। तो ये देखेंगे आएगा R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, मतलब R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। तो पोटेंशियल्स का रेशियो जो है V1 बाई V2 वो आया R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। देखेंगे फोर्थ ऑप्शन जो है R1 बाई R2 का होल स्क्वायर है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया।